अच्छा हमको आज आप अयोध्या के दौरे पर। आज आज मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मेरे साथ हमारे महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे जी है और भी प्रमुख लोग हैं, 20-21 लोग हैं। 15 तारीख को आदित्य ठाकरे जी अयोध्या में दौरा करेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, शरीर पर आरती करेंगे, ऐसे कार्यक्रम है। ये कोई राजनीतिक उसको माहौल बनाने का कोई हमारा एजेंडा नहीं है, ये कोई हमारा शक्ति प्रदर्शन भी नहीं है। हम श्रद्धा से जाते हैं, श्रद्धा की भाव से जाते हैं। 2-2.5 साल से जो कोविड का कोरोना का जो संकट था तो हम अयोध्या में नहीं जा सके, हमारी इच्छा थी बहुत बार जाने की, तो अब थोड़ा सा माहौल अच्छा रहा है तो हम लोग आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में जाएंगे। महाराष्ट्र से कुछ प्रमुख लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा माहौल बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, कश्मीर छोड़ के कश्मीरी पंडित छोड़ के आ रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कश्मीर फिर एक बार जल रहा है, खून से लथपथ हो रहा है। कश्मीर की स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है और हमारे जो दिल्ली के प्रमुख लोग हैं वो फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं। कभी कश्मीर फाइल का प्रमोशन होता है, कभी पृथ्वीराज का प्रमोशन होता है, और वहाँ कश्मीरी पंडितों का जो आक्रोश है वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीरी पंडित हो और हिंदू समाज के लोग हो, इतना ही नहीं, हमारे मुसलमान भाई जो है देशभक्त, जो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करते हैं, उनकी भी हत्या हो रही है, क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब तक 20 सिक्योरिटी फोर्सेस जो मुस्लिम है अधिकारी हैं उनकी हत्या हुई है, श्रीनगर से लेकर पुलवामा तक। हवालदार, DYSP, SP रैंक के मुस्लिम अधिकारी इसलिए मारे गए हैं क्योंकि वो देश की रक्षा से जुड़े हैं। कश्मीरी पंडितों को फिर एक बार भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। कश्मीर के हजारों पंडित अब घाटी छोड़कर अपने ही देश में निर्वासित हो रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने एक बयान दिया है और कहा है कि कश्मीरी पंडितों का जो पलायन चल रहा है, जो हत्या शुरू है, उस बारे में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि महाराष्ट्र पूरी ताकत से, महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना पूरी ताकत से कश्मीरी पंडितों के साथ रहेगी और जो जो उनके लिए करना है, उनकी फैमिलीज के लिए करना है, वो महाराष्ट्र सरकार उनको पूरी मदद दे देगी। ये कल राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने अपना बयान दिया है और हम उस बारे में कोई एक प्लान बना रहे हैं।